ഇവനെ നീ വീണ്ടും ശിക്ഷിക്കാൻ വന്നാലുണ്ടല്ലോ, ചെത്തിക്കളയും ഞാൻ. हाय गाइज, कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में. दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 16 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म बिग ब्रदर के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म को इंडिया वर्ल्डवाइज में कितनी स्क्रीन पर रिलीज किया गया है और इस फिल्म की टोटल बजट कितनी है. साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना है. तो दोस्तों देखते रहिएगा पूरा वीडियो. दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल करने सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबाएं. दोस्तों, अगर बात की जाए फिल्म के डायरेक्टर की तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्दीकी ने. मेन स्टार कास्ट में देखेंगे मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल, अरबाज खान, अनुपम मेनन, साथ ही साथ हनी रोज. दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की जनरल की, दोस्तों आपको बताते चले यह फिल्म ड्रामा मिस्ट्री एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से इस फिल्म को सस्पेंस फिल्माया गया है. इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूजिक इतना लाजवाब है दोस्तों कि आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे. बात की जाए इस फिल्म की प्रोड्यूसर की, तो इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है सिद्दीकी और जोनस जोश ने. इस फिल्म ने म्यूजिक दिया है दीपक देव. दोस्तों, इस फिल्म की रनिंग टाइम है लगभग 2 घंटे 45 मिनट, जो कि काफ़ी बढ़िया रनिंग टाइम रखी गई. अगर बात की जाए इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की बजट. दोस्तों, आपको बताते चले इस फिल्म की बजट काफ़ी नॉर्मल रखी गई है, काफ़ी छोटे बजट की यह फिल्म है. दोस्तों, आपको बताते चले इस फिल्म में टोटल बनकर तैयार हुई है लगभग 20 करोड़ में, और इस फिल्म की कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि प्रमोशन में खर्च किया है लगभग 5 करोड़. टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 25 करोड़. दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग की, तो दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया है लगभग 1000 स्क्रीन पर, वहीं वर्ल्ड वाइज यानी कि ग्रॉस इस फिल्म की स्क्रीन मिले हैं लगभग 350 स्क्रीन. टोटल इस फिल्म की स्क्रीन होते हैं लगभग 1350. अगर बात की जाए इस फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस की, यानी कि इस फिल्म को रिलीज से पहले ऑलरेडी इस फिल्म के राइट्स कितने भी में बिके हैं, तो दोस्तों आपको बताते चले इस फिल्म की सनराइज राइट्स बिके हैं लगभग 8 करोड़ में, डिजिटल राइट्स बिके हैं 12 करोड़ में. वहीं बात की जाए म्यूजिक राइट्स की, तो इस फिल्म की म्यूजिक राइट्स बिके हैं लगभग 4 करोड़ में. टोटल इस फिल्म ने रिलीज से पहले इकट्ठे कर लिए थे लगभग 24 करोड़. दोस्तों, इस फिल्म के प्रोड्यूसर पूरी तरह से सेफ थे, चाहे फिल्म बढ़िया बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती या ना करती, ऑलरेडी इस फिल्म की प्री रिलीज बिजनेस में, क्योंकि इस फिल्म के 24 करोड़ इकट्ठा कर लिए. दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की फर्स्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, दोस्तों आपको बताते चले जिस हिसाब से इस फिल्म की ओकापेंसी और जो डाटा सामने निकल के आ रही है, इस फिल्म को फर्स्ट डे इंडिया में कलेक्शन कर सकती है 5 करोड़ 90 लाख का ग्रॉस, यानी कि वर्ल्ड वाइज कलेक्शन कर सकती है लगभग 1 करोड़ 70 लाख. दोस्तों, अगर बात की जाए इस फिल्म की पब्लिक रिव्यू की, तो इस फिल्म की पब्लिक रिव्यू आ चुकी है, काफ़ी पॉजिटिव पब्लिक रिव्यू आए हैं, मिले जुले रिस्पॉन्स मिले हैं. दोस्तों, क्या लगता है ये फिल्म कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है? क्या पिछली मूवी मोहनलाल की लूसीफर जैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाएगी? जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं. और हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं. दोस्तों, हमारे चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद.